हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश, जिसे आप एज भी कहते हो। और जैसा आज आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हो, आज हम करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। और ये हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 11th का राइटिंग का, ठीक है। तो आज हम राइटिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि हमने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और आपको पता है कि एक नंबर भी हमारे जिंदगी में कितना मैटर करता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और मैं आपको अश्योर करती हूं कि आज आप एडवर्टाइजमेंट लिखना सीख जाओगे। चलिए फिर फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, देखो एडवर्टाइजमेंट क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट है। क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट है। चाहे आप देखो, सीधी सी बात है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे टीवी है, मैगजीन है, रेडियो है, सिनेमा है, ठीक है। आजकल तो आप सिनेमा हॉल में जाते हो, वहां पर भी जब भी इंटरवल होता है तो क्या आता है, एड्स आते हैं ना, ठीक है। तो वही चीज होती है एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है, हम अनाउंस करते हैं अबाउट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना, कि हमारे पास ये नया प्रोडक्ट है। अगर कहीं पे कोई वैकेंसी है, कोई गुम हो गया है, कुछ खो गया है, कुछ मिला है, मतलब हर चीज की एडवर्टाइजमेंट जो है वो करी जाती है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे पास होती है दो टाइप की, ठीक है। एक है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है आपका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट नाम से ही क्लियर है। आप यहां पर पहले ये वीडियो देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बचत कैसे होगी? चौंक गए बचत इन लॉ। हाँ। पेश है। याद आया कुछ? टाइड मतलब सुपर सफेदी, यही बोला जा रहा है ना। और इसे आप कहाँ देख पा रहे हो, डिजिटल स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें एनिमेशन है, एक्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट है टाइड, जिसको प्रमोट किया जा रहा है कि आप इसे खरीदो जी, तो आपके कपड़े जो है वो सफेद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, जो आप स्क्रीन पर देखते हो। चाहे आजकल आप देख रहे हो फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट भी है जहां पर हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है डिजिटल, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में, ठीक है, क्लास 11th के जो सिलेबस में है वो क्या है, हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो सीधे शब्दों में समझ लो, न्यूज़पेपर जो चीज, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया समझ रहे हो ना, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इसमें हम अगर एडवर्टाइजमेंट लिखें, ठीक है, किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। किसी, देखो जैसे कि मान लो तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल में आपकी एक वैकेंसी है, चाहे एक इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है, एक रिसेप्शनिस्ट की है, ठीक है। तो वो क्या है, आपके स्कूल वाले एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं ना न्यूज़पेपर में कि भाई हमारे यहाँ वैकेंसी है, फटाफट आ जाओ, उसके बाद इंटरव्यू दो और ज्वाइन कर लो। आधी बात समझ में? तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब नथिंग बट प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट छापी जाएंगी वो आती हैं किसके अंडर, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है, ठीक है, उसमें दो चीजें आ जाएंगी। एक तो आएगा आपका न्यूज़पेपर, दूसरा आ जाएगा क्या, मैगजीन, ठीक है। आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हो, मैंने बहुत सारी जो है ना कटिंग जो है यहाँ पर आप देख पाओगे जो मैंने यहाँ पर लगाई है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना वो ब्रीफ होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, टू द पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक वर्ड के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, न्यूज़पेपर में आप किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर का स्पेस ले रहे हो, तो स्पेस के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 50 वर्ड के अंदर ही ट्राई करते हैं कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट लिख दो, जिससे आपका जो भी मोटिव है वो क्लियर हो जाए, जब भी रीडर उसे पढ़े तो आप क्या चाहते हो, ठीक है, किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट, वो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप कि आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता क्या है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसे आप अपने दिमाग में रखना जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, ठीक है। और एक चीज और बता देती हूँ, देखो रियल लाइफ में चाहे आप एडवर्टाइजमेंट बनाओ, चाहे आप एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट बनाओ, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में ना बिल्कुल एकदम से कहो कि स्टोर कर लो, ठीक है ना, और इसे कभी डिलीट होने मत देना, क्योंकि लाइफ
इसकी जरूरत तुम्हें बहुत बार पड़ेगी, चाहे आप एजुकेशन लाइफ में हो, कल आप सभी जो है वो अपने अपने कंपनीज को ओन कर रहे होगे, आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस होगा, तब भी आपको इन सब एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पर पहला देखो, गिव अ हेडिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली बात है, हमने एक हेडिंग देना होगा एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा वो किस टाइप का है। देखो सीधी सी बात है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैं अभी आपको जो है ना डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो उनमें से कौन सा आपका है, ठीक है, उस तरीके की हेडिंग आप दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फुल सेंटेंस जो है ना इसमें कभी नहीं लिखा जाता है, इसमें शॉर्ट्स और जो फ्रेजेस होते हैं ना उसका यूज करके हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी फालतू का पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखो, जब भी आप एग्जाम के लिए हो, चाहे आप रियल लाइफ में एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या, एक आपने एडवर्टाइजमेंट बनाई और उसके चारों तरफ आपने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। देखो जैसे कि मान लो ये रहा, इस तरीके से मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया जी हेडिंग, ठीक है, और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट। आगे बात समझ में। और सब कुछ लिखने के बाद जो भी हमारा कंटेंट था वो लिख दिया, उसके बाद हमने उसके चारों तरफ एक क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। आई होप कि समझ आ गया होगा। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या, कि वर्ड लिमिट के अंदर रहना, ठीक है ना। और वर्ड लिमिट कितनी है हमारे पास, 50 वर्ड्स में ही हमने क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट को लिखना है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लासिफाई एड्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से आते हैं क्लासिफाइड में, ठीक है। तो क्लासिफाइड में ध्यान से समझते जाओ। देखो सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वेकेंट का मतलब क्या हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो सीधा एग्जांपल, आपके स्कूल में, ठीक है ना, कोई एक पोस्ट जो है वो खाली है, मान लो इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। तो आपके स्कूल वाले क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर ये पोस्ट खाली है, हमें ये चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, आइए इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन वेकेंट। अब दूसरा है सिचुएशन वॉन्टेड, मतलब क्या, मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे जॉब करना है कहीं पर, ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस पोस्ट पर काम कर सकती हूं, तो किसी को अगर जरूरत है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेल और परचेज, ठीक है। सेल चाहे प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, या कोई भी हाउस होल्ड चीज का, ठीक है, या ऑफिस का, गुड्स का, ठीक है, या इनका ही परचेज, इनके लिए भी हम एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। आपने देखा होगा क्लासिफाइड जो एक प्रॉपर कॉलम आता है हर न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा होता है जो जैसे 2 BHK का फ्लैट जो है वो सेल पे लगने वाला है, ठीक है, कोई अपनी कार बेच रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा सेल और परचेज। फिर है टूलेट। टूलेट का मतलब क्या हो गया जी, टूलेट का मतलब हो गया किराए पे लगना, रेंट पे। कई बार हम अपनी चीजों को रेंट पे दे देते हैं, घर भी देते हैं रेंट पे, ऑफिस भी देते हैं रेंट पे। आगे बात समझ में। तो रेंट पे देने के लिए भी हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टूलेट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है मिसिंग, ठीक है, पर्सन और पेट। कोई भी इंसान गुम हो गया है, उसके लिए भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड, आपकी कोई चीज गुम हो गई है, आप एडवर्टाइजमेंट दे दो कि भाई मैं यहां से यहां जा रहा था, ठीक है, ये नंबर सीट पे बैठा था, उसके बाद मेरी जो सामान था वो गुम हो गया, अगर किसी को मिले तो प्लीज वापस कर दो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कुछ मिला है, ठीक है, तो आप उसकी डिटेल देके बता सकते हो कि अगर किसी का गुम हुआ है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लो और ये चीज वापस ले जाओ, ठीक है। अब टूर एंड ट्रैवल है, ठीक है, आप देखते हो न्यूज़पेपर में कई बार, ठीक है ना, टूर एंड ट्रैवल वाले जो है ना वो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, कि 5 दिन का पैकेज है जी, ठीक है, 10 दिन का पैकेज है, फॉरेन ट्रिप है, दिस है, दैट है, ठीक है। फिर है आपका मैट्रिमोनियल, ठीक है, शादी ब्याह, ठीक है, सीधी सी बात है, आपने देखा होगा अभी तो चल रहा है जीवन साथी, शादी.com, ये सभी डिजिटल है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा, ठीक है, अपने आप पेरेंट्स से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आज भी
एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें लिखा होता है क्या कि वांटेड ग्रूम, लड़का चाहिए, वांटेड ब्राइड, लड़की चाहिए, किसके लिए चाहिए, उसकी डिटेल दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है पढ़कर कि ये बंदा हमारे काम का है तो आप कॉल करते हो, फिर कुंडली वुंडली जो भी तुम्हारा सिस्टम होता है वो सब कुछ सेट करते हो। आगे बात समझ में। फिर है आपका एजुकेशनल। एजुकेशनल मान लो मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अजब गजब इंग्लिश है ना, इसको मैं ऑफलाइन अगर स्टार्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट दे दूंगी, ठीक है, कि भाई जो अजब गजब इंग्लिश है वो अब ऑफलाइन भी आ रहा है तो आप यहाँ पर आके पढ़िए, ठीक है। फिर चेंज ऑफ नेम हो गया, एड्रेस हो गया, अदर इन्फॉर्मेशन, इनके लिए भी हम क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर को जरूर करते हैं। आई होप कि आपको कितने टाइप के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं और जो आपके सिलेबस में है भी, ठीक है ना, उसे आप अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, देखो, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वॉन्टेड, सेल परचेज, टू लेट, ठीक है, उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड और मैट्रिमोनियल, ठीक है, जो ये मैंने टिक करे ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ना इसको अच्छे से कर लेना, तुम्हें मैं इतना अश्योर करती हूँ ये 6 में से 2 तुम्हें पेपर में देखने को मिल जाएगा और दोनों में से एक तुमने करना ही करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 10 हैं, ठीक है, कम से कम 6 पक्के तरीके से करके जाना, 4 अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मैं इतना करवा सकती हूँ तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन ये 6 में से आपको पता है क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा, ठीक है, मान ले एक सिचुएशन वेकेंट दे दे और एक आपका मैट्रिमोनियल का दे दे, ठीक है, और इन दोनों में से जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप कर देना और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इतना हेल्प जी मैंने आपको कर दिया है। चलिए नेक्स्ट ध्यान से समझिए, मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम में क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वाला, वो टोटल कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, जिसमें अगर आप हेडिंग लिखते हो, जैसे देखो मैंने देखा, ठीक है, मैंने क्या देखा कि जी हमारा जो ये टॉपिक है, ठीक है, आपके जैसे कि मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में आया कि आप दिस इन दिस हैं, ठीक है, आपको रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो आपने एडवर्टाइजमेंट देना, सीधी सी बात पता लग गई हमें किसके बारे में, सिचुएशन वेकेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दे दिया सारा कैपिटल में, ठीक है, ये जो है ना ये सारा को कैप्स लॉक में कर देना, कैपिटल लेटर में, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है किस बारे में है, ठीक है, और इसका टाइटल हमने क्या देना और सही टाइटल आपने दे दिया, तो आपको मिलेंगे 1 नंबर, ठीक है। फिर हो गया आपका कंटेंट, ठीक है, कंटेंट में मतलब सीधी सी बात है क्या क्या चीजें, अभी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे मान लो एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया सिचुएशन, उसके बाद ये रहा वेकेंट, ठीक है, ये टाइटल हो गया 1 नंबर। फिर हमने इस तरीके से कंटेंट लिख दिया, ठीक है, कि हमारे स्कूल में ये पोस्ट खाली है जी, आप आइए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पूरे अच्छी तरीके से आपने दे दिया, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल भी बता दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कॉल कीजिए या इस एड्रेस पर विजिट करिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली सही लिखना, ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करना, ये सारी चीजें भी आपकी सही रही तो क्या मिलेगा आपको, 1 नंबर। बताओ ये है मुश्किल, ये पता है क्या, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 3 मार्क्स आपको एक तरीके से कहो फ्री में मिलते हैं जस्ट बाय यूजिंग योर माइंड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करो, जो चीजें बताई जा रही है उन सब चीजों का ध्यान रखो और आपको बहुत ही आसानी से नंबर मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको बताने लगी हूँ फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट में मान लो ये आपका आंसर शीट है, ठीक है, आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टाइटल दोगे, ठीक है, और टाइटल कैसे दोगे, पूरा का पूरा कैपिटल में देखो, ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर हमने सीधी सी बात है, ये हमारी देखो ये शीट है, ठीक है, ये पूरी शीट है और ये शीट के ऊपर हमने क्या करा, सेंटर में, ठीक है, हमने क्या है, हेडिंग दे दी, ठीक है, और हेडिंग जो ये जैसे मैंने एच ई ए ऐसे ये सारा देखो कैपिटल स्मॉल मिक्स करके लिखा, लेकिन आपने सारा का सारा किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंटेंट लिख दोगे, ठीक है, कंटेंट इस तरीके से आप लिख दोगे, कितने वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में लिखोगे, 50 वर्ड्स में, वेरी गुड। उसके बाद एक काम करना है आपने क्या, कि एक अच्छा सा स्वीट सा बॉक्स बना देना है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप, ठीक है,
जब भी आप क्या कर रहे हो ना, एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आपको पता है कि हमारी जो आंसर शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो आई विल गिव यू वन पर्सनल सजेशन, ठीक है, कि एक पूरा पेज लेना, ठीक है, और उस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करके जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो लिख कर आना, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिखाती हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि ये कौन से टाइप का हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में उन सारे जितने भी हम अनसॉल्व क्वेश्चन आज तुम्हें दिखाऊंगी वो सारे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एक वीडियो देखी और यहां से भाग गए, नहीं, आज मैंने आपको सारा जो है, ठीक है ना, सारा का सारा कि क्या होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, कैसे लिखते हैं, क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए, हमने फॉर्मेट आपको बता दिया। अभी आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल दिखा देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा और ताकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब ध्यान से देखो और फटाफट मेरे साथ करो आप, ठीक है। देखो, यू आर पर्सनल मैनेजर, ठीक है, आप पर्सनल मैनेजर हो इस पर्टिकुलर कंपनी के, इतना 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 इतना। यू नीड अ पीए कम स्टेनोग्राफर फॉर योर ऑफिस। तो अब बताओ कौन सा होगा ये? ऑब्वियस ही बात है, ये होगा आपका सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। ये कौन सा है? सिचुएशन वेकेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, अरुण गुप्ता यहाँ यहाँ रहने वाले हैं, इनके पास अच्छा नॉलेज है किसका? टूरिस्ट का, प्लेस इन शिमला, ठीक है। तो ये काम करना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट गाइड, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट दी है, तो ये क्या हो गया हमारा? सिचुएशन वॉन्टेड, इनको जॉब चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सिचुएशन वॉन्टेड। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, यू प्लान टू सेल योर फ्लैट। सीधा पता लग रहा है, अपना फ्लैट बेचना है तो फ्लैट के बारे में आप जो है वो नेसेसरी डिटेल दे दो। तो ये कौन सा है? सेल वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यू विश टू डिस्पोज ऑफ एन ओल्ड वॉशिंग मशीन। ये भी सेल वाला है, ठीक है, कि आपके पास एक पुराना ओल्ड वॉशिंग मशीन है तो आप उसे बेचना चाहते हो, इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो। तो ये दोनों कौन सा हो गया? सेल का हो गया। आगे बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा किसका है? सेल वाला है, ठीक है। आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहा जा रहा है? यू वॉन्ट टू लेट आउट अ फ्लैट। मतलब क्या? सीधी सी बात है, टू लेट मतलब रेंट पे देना है। तो टॉपिक कौन सा होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पर अभी देखो मैं बता रही हूँ, रेंट पे देना है, ठीक है। रेंट पे देना है तो आप टाइटल क्या लिखोगे? टू लेट, कैपिटल टू, ठीक है। और ये सारा देखो इस तरीके से बना देना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टू, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एल ई टी, ये बन गया हेडिंग। मेरी राइटिंग है बहुत ही बुरी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो ये टू लेट वाला हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो सिक्स्थ जो है, ठीक है, आपकी कैट जो है वो हो गई है गुम, ठीक है, कब से? पिछले दो दिनों से। तो यहां पर क्या हो गया? लॉस्ट का आएगा, एडवर्टाइजमेंट का टाइटल क्या होगा? लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, मिस्टर अग्रवाल लॉस्ट हिज पासपोर्ट, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा? लॉस्ट वाला क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, यू आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर योर स्मार्ट गुड लुकिंग डॉटर। आपकी बेटी जो है बड़ी स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, उसके लिए आप सुटेबल मैच देख रहे हो। मतलब क्या है? वॉन्टेड ग्रूम, दूल्हा ढूंढ रहे हैं हम। ये हो गया आपका टाइटल, किसके लिए ढूंढ रहे हैं? अपनी बिटिया के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, यहाँ तक आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है वो होता क्या है, उसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हमने इसे करना है, ठीक है। सभी अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दिखा दिए मैंने आपको। अगर आपको लगे कि यहाँ पर मेरे चैनल पर विजिट करके आपका एक मिनट भी यूटिलाइज हुआ है ना, तो आप मेरे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, विद इन 2 or 4 days में अपलोड कर दूंगी, जिसमें सारे के सारे जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाए वो सारे के सारे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।